दिल्ली सीबीआई वहाँ पे ऑफिस में बुलाया है उनको 29 फरवरी को पूछताछ के लिए, किस तरह से देखते हैं सर इसको? देखिए, ऐसा है कि निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन के मजबूत पार्ट हैं अखिलेश जी, और मजबूती से वो गठबंधन के साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है। मैं समझता हूं कि ये जो घबराहट है मोदी और भाजपा की, ये घबराहट का नतीजा है कि उनको सीबीआई बुला रही है, सीबीआई उनको समन कर रही है। और मैं जहां तक मैं जानता हूं कि ये सब उनके पुराने उनकी सरकार के समय के मामले हैं, और ये आज समन हो रहा है, इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से घबराई हुई सरकार है मोदी की, और जो भी इंडिया गठबंधन के मजबूत लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का ये काम कर रही है। सर, किस तरह से देखते हैं कि लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में अब सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन जारी किया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, प्रताड़ना की कार्रवाई है और पूरी तरीके से हम सब लोग इसको इसका विरोध करते हैं, और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी इन चीजों के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि अत्याचार अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। और केवल घबराहट, इंडिया गठबंधन मजबूती से उत्तर प्रदेश में, इसका ये पूरी तरीके से ये सूचक है कि ये इंडिया गठबंधन मजबूती से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। इस नाते ये परेशान होकर ये अखिलेश जी को नोटिस करा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी। राज्यसभा का चुनाव हुआ और राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अपने दोनों सम्मानित विधायकगण ने गठबंधन दल का निर्वाह किया और सबसे पहले जाकर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जाकर वोट दिया और खुले तौर पर दिया। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही मजबूत और अच्छा संदेश हमारे दोनों विधायकों ने और कांग्रेस पार्टी ने दिया है। हम दो हैं, पर दो हमारे मजबूती के साथ खड़े रहे और मजबूती के साथ डटकर खड़े रहे। तमाम अफवाहें और तमाम बातें फैलाई गईं, और उन सब चीजों को आप जानते हैं कि ये अफवाह फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उनका काम ही है अफवाह फैला के आपस में कैसे अविश्वास पैदा करना और आपस में कैसे लोगों को तोड़ मरोड़ करना, उनका काम। पर जो सबसे बड़ी बात सामने आई, जो हम लोग बार बार कहते चले आ रहे हैं, कि बहुजन समाज पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है, पहले से हम लोग लगातार कर रहे हैं, और ये कल बात साबित हो गई कि अब उनके विधायक ने खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और सहयोग किया। ये साबित हो गया, प्रमाणित हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के लोग जो नेता हैं उनकी, उनके साथ पूरी तरीके से उनका साठ गांठ है, उनके साथ खड़े हैं।